यूनिक्रॉन का खून पृथ्वी से इस तरह बाहर क्यों निकल रहा है? इसका जवाब जीते जी तुम्हें नहीं मिल सकता ऑप्टिमस। जल्दी इन्हें यहां से ले चलते हैं। चलो आओ, जल्दी करो। ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास अब इतना डार्क एनर्जॉन है कि मैं अब यूनिक्रॉन को भी जगा सकता हूँ। यूनिक्रॉन। आराम से ऑप्टिमस, भारी मात्रा में एनर्जॉन के कांटेक्ट में आने से तुम्हारी हालत नाजुक हो गई है। मैं अकेला उसका शिकार नहीं। हाय, किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया। मेगाट्रॉन को और डार्क एनर्जॉन मिल गया वोल्केनो भर के, पर सवाल है कि कैसे। नहीं, सवाल है कि क्यों। पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जो यूनिक्रॉन के खून को पैदा कर रहा है? कौन सी ने यूनिक्रॉन को मार दिया? वही सफेद घोड़ा जिसके सर पर सींग होता है, हमेशा झिलमिल करने वाला यूनिक्रॉन, एक प्राचीन शैतान, और जिसके जमे हुए खून के रूप को ही हम कहते हैं डार्क एनर्जॉन। किससे तो यही बताते हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि यूनिक्रॉन किसी तरह का बोगीमैन है? बोगीमैन? वो काल्पनिक भूत जो अलमारियों में छुपता है। नहीं नर्स डाबी, यूनिक्रॉन काल्पनिक नाम नहीं है, था। मेरा मतलब, हम मानते हैं कि उसका वजूद था, बस मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि उसके खून से बनी चीज ने ही रैफ का ये हाल किया है। यही वजह है। बातें बहुत हो गई। जैक प्लीज रैफ को कार में बिठाने में मेरी मदद करो। मॉम, इसकी तबीयत तो सुधर रही है ना? रैफ को असली डॉक्टर्स की देखरेख में होना चाहिए और रैफ की फैमिली को इसके पास होना चाहिए, इसकी असली फैमिली को। मॉम, वो रैफ की सुरक्षा वैसी नहीं कर सकती जैसी ये कर सकते हैं। जून, मुझे अपनी नाकामी पर बड़ा अफसोस है, लेकिन चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हमारे इंसानी दोस्तों पर आंच नहीं आने दूंगा, या किसी और इंसान पर भी। ऑप्टिमस, ये बच्चे हैं, ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। इन्हें फिक्र होनी चाहिए मार्क्स की, कार्टून्स की, पिंपल्स की, अपनी जान बचाने की नहीं। मॉम, डार्क एनर्जॉन अर्थ से बाहर निकल रहा है, जो फिक्र की बात ही है। हमें क्या ऐसे हालात में हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी? तुम बस चलो यहाँ से, तुम तीनों चलोगे और कभी वापस नहीं आओगे। मैं समझ सकता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, एक दूसरे का इतना साथ देने के बाद टाटा बाय बाय। हमें चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। ये बातें उनके प्लैनेट पर चलती होंगी, यहाँ पर नहीं। चलो आओ। आपको सच में लगता है मैं एक नॉन ट्रांसफॉर्मिंग मामूली कार में बैठूंगी? मीको, बहस मत करो, आप मेरी मॉम नहीं है। मीको। और तुम भी नहीं हो। लेकिन तुम्हारी हूँ। चलो बैठो जैक। वो तुम्हारी मॉम तो है। मैं नहीं चलूंगा, आई एम सॉरी।
रैचेट, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। कोई जरूरत नहीं। प्राइम, आवाज आ रही है? मैं तुम्हें सुन रहा हूँ एजेंट फाउलर। क्या तुमने न्यूज देखी? कुदरत का कहर हर तरफ तबाही मचा रहा है। हमें वॉल्केनो की जानकारी है। और अर्थक्वेक्स की? जिस वक्त वॉल्केनो इरप्ट हुआ उसी वक्त 7 जबरदस्त झटके लगे, उसी वक्त पर उसी मैग्नीट्यूड के, वो भी दुनिया भर में अलग प्लूटोनिक प्लेट्स पर। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे इरप्ट एक ही वक्त पर क्यों हो रहे हैं। अब ये देखो और अच्छी खबरें, दुनिया भर में तूफान का आतंक चल रहा है। कनाडा पर सुनामी, कहर बरसा रही है और गोबी डेजर्ट पर बिजलियां गिर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कटौती भी हो रही है। इस कुदरत के कहर की वजह क्या है, क्यों हो रहा है ये सब और आगे क्या क्या होगा? क्या कहा, डिसेप्टिकॉन्स ने वेदर मशीन बना ली है? आइडिया काफी अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से डार्क एनर्जॉन का निकलना कोई इत्तेफाक नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे कोई वजह जरूर है। One hundred, two hundred. तुम ठीक हो ना रैफ? बिजली चमक रही है, मैं उस...